लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। केंद्रीय आयुष और अन्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया है कि ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। 1 सितंबर को यहाँ शिलोंग में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने अपनी टिप्पणी में माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश को रेखांकित किया, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय प्रगति में तेजी लाने के लिए अपने अपने डोमेन के भीतर सक्रिय रूप से पहल कर रही है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण में कनेक्टिविटी, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, खेल, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास जैसे क्षेत्र शामिल है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व की तीव्र विकास को सुविधाजनक बनाना है। सोनोवाल ने पूरी उत्तर पूर्व में एकीकृत औषधीय प्रणाली स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए पहल के बारे में विस्तार से बताया। इन प्रयासों में कॉलेजों की स्थापना और चिकित्सा अस्पतालों की एकीकृत प्रणाली शामिल है। आयुष मंत्रालय उत्तर पूर्व की समग्र कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप समग्र स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में उत्तरी राज्यों की समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, मंत्री ने कहा। आयुष मंत्रालय का ये व्यापक दृष्टिकोण एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्तर पूर्व में विकास को बढ़ावा देने की सरकार की दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्र के विकास और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Prime Minister, as you know, all the ministry from the government of India is taking their exemplary initiative from their respective ministry, respective department to expedite the growth of Northeast. That is why, whether it is like you know, connectivity, communication, whether it is IUs, whether it is medical, like health and family welfare, whether it is sports, whether it is culture, whether it is science and technology, institutional growth. For the speedy growth of Northeast, Honorable Prime Minister Narendra Modi is giving top priority to Northeast, and that is why full budgetary support. As you know, in the last 9 years, there is the expenditure of 3.6 lakh crore only for the overall growth of the Northeast connectivity and communication. That's why, from our part also, health and family welfare, health and family welfare and Ministry of Ayush. We are trying to develop the integrative medicinal, entire mechanism in the entire Northeast, and also giving support for the, colleges and also the Ayush hospital, integrative, system of medicine. So this is how, the Ministry of Ayush is supporting the Northeastern states for the holistic healthcare system. लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।